घर है यहाँ पे, बालकनी, वाह मस्त यार। और इस वाले वीडियोस में, टर्की ट्रिप में, मैं ट्राई करूँगी कि खुद को कम दिखाऊँ और सामने का ज़्यादा दिखाऊँ और खुद भी देखूँ, पता चले मैं खुद भी गिर गई। ये तो अगर ताज पहना मैंने, अभी तो इतनी ठंड थी, अब धूप आ गई है, एवरीथिंग इज अनप्रडिक्टेबल। और ये लड़के को देखो, बीनी वीनी पहन के, सब ज़्यादा ठंडी होगी, मैं सब दोगलापन हुआ, दोगलापन अश्नीर। जब से मनु ने शार्क टैंक में अश्नीर का ये डायलॉग समझा है और सुना है, तब से वो इस तरह से मस्ती में ये डायलॉग बोलता है। मैं बहुत अच्छा पेड़ दिखाती हूँ, आप पेड़ है और इसके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चे, फ्लावर अगर आपको दिख रहा है, एक्चुअली इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार वाला टूरिस्ट स्पॉट है, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। हम जब आ रहे थे तो हमारी जो गाड़ी थी उसमें से, उसका गेट ओपन करते टाइम गलती से प्रिंगल्स थोड़ी सी गिर गई, उस बंदे ने उसी समय ही ब्रूम निकाला छोटा सा और पूरा रोड पे सफाई किया। तो ये स्पिरिट है यार, अगर अपना देश हमें साफ़ स्वच्छ रखना है तो खाली स्लोगन से कुछ नहीं होता, हमें खुद को मानना पड़ेगा कि अगर हमें साफ़ रखना है तो वही चीज़ है कि गंदा हो गया, हमारा घर गंदा हो गया तो हम साफ़ करते हैं, ठीक वैसे ही हमें रोड भी साफ़ करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को ही ध्यान में रखें तो हमारा भारत भी साफ़ सुथरा स्वच्छ ऐसी सड़कों वाला हो जाएगा। डॉग बैठा हुआ है सड़क पे, इतना क्यूटली बैठा हुआ है, शांति से एकदम, एक वो वहाँ बैठा हुआ है शांति से, एक यहाँ बैठा हुआ है शांति से। और मैंने एक्चुअली पढ़ा था कि इवन नॉट इवन कैट्स, डॉग्स भी यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत बार्किंग वगैरह नहीं करते हैं और बहुत हेल्दी डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी। यहाँ पे ये है $31 है, मतलब 31 लीरा, यहाँ का टर्किश लीरा, 31 इज इक्वल $1 और 34 लीरा इज इक्वल 1 यूरो। हम लोगों के पास डॉलर है, ये लोग डॉलर एक्सचेंज कराने के लिए गए हैं अंदर, सबका सेम ही रेट है यहाँ पे, ऑब्वियसली वो सेम ही होगा, सारी बाजू की दुकानें। और इसके बाद हम जाएंगे इंडिया गेट, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो वहाँ पे वो रहा इंडिया गेट रेस्टोरेंट, हम वहाँ खाना खाने जाएंगे। होते हैं तो हम बाहर का विदेशी कुजिन ढूंढते हैं, और जब हम बाहर होते हैं तो हम भारतीय कुजिन ढूंढते हैं कि भारतीय रेस्टोरेंट कहाँ पर है, इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पर है। अभी हम एक टाइम हमने खाना खाया है खाली फ्लाइट में, और हमारी हालत ये हो गई कि हमें अभी स्पाइसी, देखो एक तो ये है, ये इंडिया गेट है सामने, तो हमारे इंडिया गेट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे 3 इंडियन रेस्टोरेंट है, एक है दालचीनी, एक है ये इंडिया गेट, और एक है एक क्या था नाम रुचि, तीसरे वाले दालचीनी, तीसरे वाले का नमस्ते इंडिया खाना, उसने अच्छे रिव्यूज दिए हुए हैं, बाकी का नहीं पता, इसका नहीं पता। ये जो खूबसूरत कार्स आपको कवर दिख रही हैं, ये फ़ोटोशूट के लिए यूज़ की जाती हैं, मॉडल्स के लिए या प्री वेडिंग शूटिंग के लिए जो कार्स होती हैं ना, ये उस तरह की कार्स हैं। ये काफ़ी लंबी हैं साइज़ में और ऊपर से खुली हैं, देखिए कितनी मस्त लग रही हैं। और अब हमने चेंज कर दिया, हम इंडिया गेट नहीं जा रहे क्योंकि हम ऊपर नहीं गए, हमें कहीं खुली जगह पे बैठना था जहाँ पे हम पूरा देख सकें, पूरा शहर देख सकें आराम से बैठ के, कॉफ़ी वॉफ़ी पिए खाने के बाद। तो इसलिए अब हमने शिफ्ट कर दिया कि हम इंडिया बाज़ार कल खाएंगे, क्योंकि कल भी रात में हम यहीं पे ही हैं और रात का डिनर हमारा अपना है तो वो हम कल खाएंगे। अभी हम जा रहे हैं दालचीनी, और दालचीनी का ये रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है यार।
रुपए जब हम लोग लंच करके वापस आए तो मेरे रूम में ये बहुत प्यारा सा यम्मी सा केक रखा हुआ था। ये शरद और रुचि ने सरप्राइज रखा था मेरे लिए ये केक, और उनका ये जो प्यारा जेस्चर है वो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच रुचि और शरद। वेरी गुड रिधिका, वेरी गुड। रात का व्यू है बैक साइड का, उफ ठंड है बहुत खतरनाक वाली, मतलब हमें खतरनाक लग रही है क्योंकि हमें ठंड की आदत भी नहीं है अभी। और मैं जो बता रही थी ना कि कोई लॉक वॉक नहीं होता है, जनरली बहुत सेफ है, अगेन मैं बता रही हूँ। देखिए ये है मेन रोड, ठीक है, और उसके बाद में ये है वो रास्ता, और यहाँ मैं खड़ी हूँ, और ये इधर से हमारी होटल है, मतलब ये भी है, ये रिसेप्शन है, आपको दिख रहा होगा, ये रिसेप्शन है, ऊपर एक रूम है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो रेस्टोरेंट है। हाँ, और यहाँ पर मेरा केक कटिंग हुआ था, और इस तरफ ये हमारे रूम्स हैं, ये इधर आगे हमारे रूम्स हैं, है ना, कुछ रूम्स ऊपर भी हैं, सामने भी हैं, और इसका एक जो गेट है उस पर एक छोटा सा डोर लगा हुआ है, मे बी क्यों, तो वो भी सिर्फ नाम के लिए है, इफ़ यू कैन सी। ये देखिए ये भी एक है गेट जिसको खुला ही रखा है, जब से हम आए हैं तब से ये ऐसे ही है, और इस समय रात की 9:15 हो गया है रात का। ये पता है कुछ कुछ मेरे को कैसा लग रहा है, जो हमारे मतलब मैं मारवाड़ी हूँ तो मुझे पता है जो हवेलियाँ होती हैं, मतलब मेरे तो खुद के पापा के घर गांव में काफ़ी बड़ी हम लोगों की हवेली है, तो ये वैसा ही लग रहा है, पुराने घर नहीं होते वैसा वाला लग रहा है एकदम। तो देखिए ये है इस तरफ का व्यू, इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, मतलब ये अलग तरह का ब्यूटी है यार, मतलब मैं ये बहुत ऐसा लगता है कि यार हम कौन सी कुछ सदी में आ गए हैं। आपको पता हो स्टार वॉर्स का भी शूटिंग यहीं पे हुआ है, मतलब सिटी के अंदर नहीं, कल जब हम जिस टूर पे जाएंगे उस तरफ, तो चूँकि वो ऐसा ही है, समझ नहीं आता कि ये इस दुनिया का है क्या ये जगह, तो वहाँ यहाँ की शूटिंग वही हुई है। तो कितना सुंदर लग रहा है ये जगह 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 जगह, लाइटिंग अच्छा लग रहा है ये, और आई डोंट नो ये छत चिमनी से धुआं निकल के आ रहा है, नीचे शायद चिमनी है इस घर की उसका है। सौरभ ये क्या है, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये सोलर वाटर हीटर है, और ये जो मैं जो धुआं बताई थी मैं सही थी, ये चिमनी है जिससे धुआं निकल रहा है, और इसी तरह का मतलब हम लोग आए थे तो इस रोड से आए थे इस तरफ, और ये देखिए ये है होटल।
ये यहाँ पे आप ये है ना सोलर पैनल यहाँ लगे हुए ना सारे, है ना, ये लगे हुए सारे सोलर पैनल। राजस्थान में तो इतनी ठंड पड़ती है, लेकिन अभी मुझे आदत छूट गई है, क्योंकि वहाँ पे ठंड पे ठंड में रहते हुए लास्ट जब मनु का बर्थ हुआ था 2009 में, मैं बस तब उन सर्दियों में थी मैं लास्ट बस राजस्थान में, तो 14 साल हो गए मुझे भी अभी ठंड की आदी नहीं हूँ मैं भी अब गर्मी वाली जगहों पे रहते हुए। बड़ौदा में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये है 104 इज़ माई रूम एंड ये है 103 रुचि का रूम। वही तो बोल रही हूँ कि वो देखो ये है पूरा कापाडोशिया शहर, कापाडोशिया कापाडोकिया जो बोलना चाहो बोल लो, सी को की के बोल दो या फिर सी बोलो सर। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ ऊपर भी कुछ है वहाँ पे। ये हमारे यहाँ पे तीनों लोग जो मुंह बना रखा है विगो ने पता नहीं किसको ढूंढ रही है, क्या ढूंढना चाह रही है, और ठंड लग रही है। इधर मनु की हालत पतली है इन बच्चों ने ठंड देखी नहीं